मंगलवार को संरक्षण इरिगेशन डिपार्टमेंट इम्प्लाइज यूनियन शिवानंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कार्यालय मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन मुख्य अभियंता गंडक नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के संबंध में विभाग के सभी कर्मचारी भी धरने में उपस्थित होंगे। धरने में विवेकानंद पांडे, सूर्यनाथ यादव, ओम प्रकाश साहनी, राम प्रताप सिंह, प्रभु दयाल पटेल, जय ओम यादव, जोखन प्रसाद, सत्य प्रकाश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संरक्षण इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन शिवानंद श्रीवास्तव ने कहा, मांगे लेकर रहेंगे, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो, अमेर है, मुख्य अभियंता होश में आओ, होश में आओ, एक नहीं अमेर नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, हम मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई विभाग कार्यालय समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन मात्र इसलिए है, निकाले गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लें। ये मुख्य अभियंता गंडक आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन एक भी अभी तक कर्मचारियों को वापस नहीं लिए, जिनमें आप देख सकते हैं बगल में बैठा हुआ हूँ, वो कितने ये बुझो अब मर जाएंगे तब इनको काम पर लेंगे या इनको वापस लेके काम कराएंगे। शासन से भी एक आदेश आ गया है कि इनको कार्य पर लगाएं, लेकिन ये आश्वासन दे करके लखनऊ चल देते हैं। आज भी आपके सामने देखिए, ये हम लोगों को बुला करके अपने लखनऊ चल दिए, यही इनका है। ये बार बार ऐसे ही भाग रहे हैं और हम अब तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक कि हमारे सारे लोगों को कार्य पर वापस नहीं ले लिया जाता, अन्यथा हम यहाँ कफन भी ओढ़ कर, चाहे भले जान देनी पड़े, कफन ओढ़ के बैठेंगे। 123 हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 85 उनमें पहले लिए जाने हैं, बाकी की जाँच की बात आ रही है, हम उस पर भी तैयार हैं, जाँच कर लें, जाँच करने के बाद में कार्य पर ले लें। मैं शिवानंद श्रीवास्तव, सिंचाई कार्मिक महासंघ अध्यक्ष, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।